ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए होली का पर्व जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। यह त्योहार आपके लिए उत्साह से भरा होगा। आपको इस दिन कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। आप जिस कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलेगा, इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने कार्य संबंधी रूपरेखा बना लें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अटका हुआ मामला भी हल होगा। रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहा विवाद अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से हल हो जाएगा। संतान की गतिविधियों और संगति पर जरूर नजर रखें। समय रहते कठोर निर्णय लेना अति आवश्यक है। बिजनेस में भविष्य संबंधी योजनाओं पर काम करने की कोशिश कामयाब रहेगी। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोग आज भी ज्यादा काम होने से अपने निजी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवारजनों के बीच सुखद तालमेल रहेगा। युवा वर्ग प्रबलता से प्रेम और रोमांच के विषयों की तरफ आकर्षित होंगे। जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए गैस्ट्रिक चीजों के सेवन से परहेज करें। भाग्यशाली रंग हैं सफेद, भाग्यशाली अंक हैं 8। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। घर में वास्तु दोष हो तो कभी भी तरक्की नहीं होती है। होली के पहले आप घर में कुछ चीजें लाकर घर के वास्तु को अच्छा कर सकते हैं। इसमें से एक है बंदरवाड़ा तोरण। वास्तु दोष से बचने के लिए आप एक खूबसूरत सा लाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर में बरकत आती है। वृष राशि। होली पर आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आपको उस दिन कहीं से तोहफे भी मिल सकते हैं। भाई बहनों के बीच स्नेह का बंधन मजबूत होगा। आपको अपने रिश्तेदारों का भी पूरा साथ मिलेगा। जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। रिश्तेदारों तथा मित्रों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा आपसी संबंधों में भी सुधार आएगा। यदि जमीन जायदाद संबंधी कोई काम रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल निकल सकता है। व्यस्तता के उचित परिणाम भी मिलेंगे। किसी नजदीकी संबंधी की वजह से धन की हानि होने की स्थिति बन रही है। दूसरों से मदद की उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यवसाय में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे। हालांकि स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को काम के प्रति लापरवाही ना बरतें, वरना उच्चाधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में आपका सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा तथा घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान और तनाव रह सकते हैं। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। भाग्यशाली रंग हैं आसमानी, भाग्यशाली अंक हैं 3। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। होली से पहले अपने घर में एक एक्वेरियम लाएं और इसे घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा को कुबेर का स्थान माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर में रखने से घर में धन का आगमन होता है। मिथुन राशि।
इस होली के दिन से आप जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह होली आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। आप इस दिन कई ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी पहले सोचा भी नहीं था। मित्रों या सहयोगियों से फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी तथा आपको अपनी किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा और आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित अंजाम देंगे। घर की सुख सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में खर्चा होगा जिसकी वजह से बजट बिगड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खोने या चोरी होने की भी आशंका लग रही है। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है, उनका मार्गदर्शन करते रहे। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसायिक कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे, ज्यादातर काम समय पर निपट जाएंगे। कहीं से कोई रुका हुआ या अटका हुआ रुपया मिलने से राहत मिलेगी। व्यवसाय के सिलसिले में कोई अनचाही ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक संबंधों में छोटी मोटी नकारात्मक बातों की वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां ही बनाकर रखें। अत्यधिक तनाव के कारणों से अपना बचाव करें, वरना इनका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी, भाग्यशाली अंक हैं 5। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। वास्तु में बांस का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। होली से पहले इसे अपने घर में जरूर लाएं। बांस का पौधा अपने साथ घर में सौभाग्य लेकर आता है। इस पौधे को रखने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इससे घर के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। कर्क राशि, दोस्त परिवार के साथ होली का आनंद लेंगे। यह होली आपके लिए मानसिक शांति लाने वाली होगी। आपके मन में चल रही उथल पुथल होली के दिन से शांत होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप सुकून का अनुभव करेंगे। परिवार में आपसी सामंजस्य रहने से वातावरण खुशनुमा और अनुकूल होगा। किसी नजदीकी व्यक्ति की समस्या को हल करने में भी आपका बेहतरीन योगदान रहेगा। वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खरीद फरोख्त होना भी संभव है। ध्यान रखें कि ज्यादा प्राप्ति की इच्छा और जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए मौजूद परिस्थितियों में संतोष रखना ही आपके लिए सुखद रहेगा। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर कुछ चिंता रहेगी, परंतु यह समय धैर्य रखने का ही है। व्यवसायिक मामलों को लेकर बहुत व्यस्तता और मेहनत रहेगी। आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहेगी। मार्केटिंग से जुड़े बिजनेस में अच्छा मौका मिल सकता है। ऑफिस में काम कम होने से राहत मिलेगी। किसी अविवाहित सदस्य के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। लव पार्टनर का सानिध्य आपको प्रफुल्लित करेगा। व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना जरूरी है। भाग्यशाली रंग हैं केसरिया, भाग्यशाली अंक है 9। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। वास्तु के अनुसार घर में क्रिस्टल का कछुआ रखना भी बहुत शुभ होता है। इसे घर में रखने से घर के सदस्य खूब आर्थिक उन्नति करते हैं। इन्हें अचूक धन की प्राप्ति होती है। क्रिस्टल का कछुआ घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। अगर कछुए की पीठ पर कुबेर यंत्र बना हो तो ये और भी अच्छा माना जाता है। सिंह राशि, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं
उन्हें होली के बाद कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपको कहीं अच्छे सैलरी पैकेज और पद वाला ऑफर लेटर आ सकता है। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी तथा अपने राजनैतिक व सामाजिक संपर्कों आपको उचित सपोर्ट मिलेगी। अगर घर में कोई सुधार संबंधी योजना बन रही है तो ग्रह स्थिति बता रही है कि वास्तु संबंधी नियमों का पालन भी करें। मामा पक्ष से किसी प्रकार की कहासुनी हो सकती है। आपकी कोई जिद आपसी संबंधों को खराब कर देगी। साथ ही अपने खर्चों को भी संयमित रखें। कुछ सेविंग करना भी जरूरी है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। बिजनेस संबंधी नया फैसला लेने या काम शुरू करने के लिए समय ज्यादा पक्ष में नहीं है। पैसों के लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी रखना आवश्यक है। कर्मचारियों के बीच शांत वातावरण रहेगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। मौसम के बदलाव का असर स्वास्थ्य पर रहेगा। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और उचित इलाज लें। भाग्यशाली रंग हैं हरा, भाग्यशाली अंक हैं 5। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाए। घर में ड्रैगन की मूर्ति या चित्र रखना भी बहुत अच्छा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ड्रैगन का चित्र रखने से घर के सदस्य सुरक्षित रहते हैं। इसे लगाने से घर के सदस्यों को बुरी नजर नहीं लगती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। कन्या राशि, होली का पर्व बहुत शुभ है और आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाहरी गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा तथा पहचान भी मिलेगी। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा संपर्क का दायरा भी विस्तृत होगा। इस समय निवेश संबंधी कामों पर पूरा ध्यान दें क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। उधार दिए हुए या रुके हुए पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है। खर्चों का भार बना रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप घर पर आराम नहीं कर पाएंगे। तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, समाधान निकालने का प्रयास करें। अपने व्यवसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। यह संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। इस समय किसी भी ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम न बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिलने से प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक सदस्य घर में आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना रखें। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ समय और विश्वास दोनों जरूरी हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और सकारात्मक रखेंगे। भाग्यशाली रंग हैं सफेद, भाग्यशाली अंक हैं 8। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। घर में वास्तु दोष हो तो कभी भी तरक्की नहीं होती है। होली के पहले आप घर में कुछ चीजें लाकर घर के वास्तु को अच्छा कर सकते हैं। इसमें से एक है बंदरवाड़ा तोरण। वास्तु दोष से बचने के लिए आप एक खूबसूरत सा लाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर में बरकत आती है। तुला राशि, आपकी राशि के लिए होली का पर्व कई खुशियों से भरा रहेगा। आपका जीवन होली के रंगों के साथ खुशहाल हो जाएगा और रंग लेकर आने वाली है। आपका अपनी अव्यवस्थित दिनचर्या में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों में काफी हद तक सफलता मिलेगी। समाज में आप सम्मानित महसूस करेंगे और इसकी वजह से आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे। दिन के दूसरे पक्ष में परिस्थितियां कुछ नकारात्मक हो सकती हैं।
आज किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखें। आर्थिक समस्या को लेकर घर में कुछ तनाव भी रहने की संभावना है। बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। व्यवसायिक गतिविधियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी, परंतु भविष्य संबंधी योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना आवश्यक है। जल्दी ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। डिफेंस से संबंधित नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, परंतु किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। बदलते मौसम की वजह से पेट डिस्टर्ब हो सकता है। खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग हैं केसरिया, भाग्यशाली अंक हैं 5। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। होली से पहले अपने घर में एक एक्वेरियम लाएं और इसे घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा को कुबेर का स्थान माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर में रखने से घर में धन का आगमन होता है। वृश्चिक राशि। दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से दिन सुखद व्यतीत होगा। आप होली के पर्व में अपने कुछ दूर के दोस्तों से मिल सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों से पूर्ण सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी। आपको कुछ अच्छे उपहार भी मिल सकते हैं। किसी दीर्घकालिक योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। काम काज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। बढ़ते खर्चों पर कटौती करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से कुछ चिंता की स्थिति बन सकती है। भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपकी किसी समस्या का कारण बन सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां धीमी होने के बावजूद आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सामान्य बनाकर रखेंगे। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फायदेमंद कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, जो भविष्य में काम आएंगे। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें तथा जोखिमपूर्ण कार्यों से भी दूर रहें। भाग्यशाली रंग हैं लाल, भाग्यशाली अंक हैं 4। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। वास्तु में बांस का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। होली से पहले इसे अपने घर में जरूर लाएं। बांस का पौधा अपने साथ घर में सौभाग्य लेकर आता है। इस पौधे को रखने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इससे घर के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। धनु राशि। होली के दिन दोस्तों और परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे। होली का दिन खुशनुमा जाएगा। खर्चों में संतुलन बनाकर रखने से निवेश संबंधी संभावनाएं बनेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही पारिवारिक समस्याओं को धैर्य और संयम से सुलझाने में सक्षम रहेंगे। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। संबंधों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखें। दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत करें। सफलता पाने के लिए अत्यधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले उचित जानकारी अवश्य लें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने से आपको व्यवसाय में नई नई संभावनाओं व अवसरों की प्राप्ति हो सकती है।
ऑफिस में किसी छोटी सी गलती की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उच्चाधिकारियों से मदद लेना उचित रहेगा। पारिवारिक वातावरण उचित और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा तथा सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भाव तथा सहयोग की भावना प्रबल रहेगी। अत्यधिक काम की वजह से थकान और पैरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तथा ध्यान और मेडिटेशन से भी आपको बहुत फायदा होगा। भाग्यशाली रंग हैं पीला, भाग्यशाली अंक हैं 7। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाए। वास्तु के अनुसार घर में क्रिस्टल का कछुआ रखना भी बहुत शुभ होता है। इसे घर में रखने से घर के सदस्य खूब आर्थिक उन्नति करते हैं। इन्हें अचूक धन की प्राप्ति होती है। क्रिस्टल का कछुआ घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। अगर कछुए की पीठ पर कुबेर यंत्र बना हो तो ये और भी अच्छाई माना जाता है। मकर राशि, होली के दिन रंगों के साथ खेलते समय थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों के साथ होली अच्छी बीतेगी। आज ग्रह स्थिति काफी संतोषकारी है। हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत कार्यों की ओर प्रेरित हो सकता है, जिसकी वजह से समाज में अपयश और मानहानि की संभावना बन रही है। अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ लगाएं। कारोबारी गतिविधियां कुछ धीमी रहेंगी। इस समय व्यवसायिक कार्य योजना में कुछ बदलाव करना जरूरी है, जिससे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। नौकरी पेशा व्यक्तियों को जल्दी ही स्थान परिवर्तन के बन रहे हैं, जो कि मन मुताबिक ही रहेंगे। पति पत्नी के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यह संबंध प्रेम संबंधों में भी परिणित होने की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु वर्तमान मौसम और पोल्यूशन से अपना बचाव रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग हैं लाल, भाग्यशाली अंक हैं 3। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाए। घर में ड्रैगन की मूर्ति या चित्र रखना भी बहुत अच्छा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ड्रैगन का चित्र रखने से घर के सदस्य सुरक्षित रहते हैं। इसे लगाने से घर के सदस्यों को बुरी नजर नहीं लगती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। कुंभ राशि, होली आपके लिए खुशियों भरा पल रहेगा। प्रिय लोगों के साथ मुलाकात होगी। होली खेलते समय दोस्तों के साथ मजाक मस्ती न करें, दुर्घटना हो सकती है। होली अच्छे से खेले। आज आपको किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए फोकस रहे। किसी शुभचिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। युवा अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे और उपलब्धि भी हासिल करेंगे। इस समय कोई गलत निर्णय आपको पछतावा दे सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी आदि में निवेश संबंधी गतिविधि को आज टाल दें। युवा वर्ग गैरकानूनी कार्यों की तरफ आकर्षित होने की बजाय अपने भविष्य पर फोकस रहे। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का जुनून आपको सफलता देगा, परंतु इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। ऑफिस में अभी परिस्थिति यथावत ही रहेगी, इसलिए तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा।
पति पत्नी एक दूसरे की मान मर्यादा बनाए रखें। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पढ़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें। घुटनों और टांगों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। वायु बादी वाली चीजों के खान पान से परहेज रखें। भाग्यशाली रंग हैं लाल, भाग्यशाली अंक हैं 8। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। घर में वास्तु दोष हो तो कभी भी तरक्की नहीं होती है। होली के पहले आप घर में कुछ चीजें लाकर घर के वास्तु को अच्छा कर सकते हैं। इसमें से एक है बंदरवाड़ा तोरण। वास्तु दोष से बचने के लिए आप एक खूबसूरत सा लाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर में बरकत आती है। मीन राशि, रंग भरी होली आपके लिए खुशनुमा पल लेके आएगा। होली खेलते समय दोस्तों के साथ मजाक मस्ती न करे, दुर्घटना हो सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी, साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी रहेगा। घर में सुधार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन करें। अत्यधिक खर्चों की वजह से आर्थिक दिक्कत रह सकती है, थोड़ा सुबूझ से काम लें। ध्यान रखें कि क्रोध और आवेश में आकर आपका कोई बना बनाया काम खराब भी हो सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य की समस्या की वजह से आपके अपने काम रुक सकते हैं। वर्तमान समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। मीडिया तथा संबंधों के माध्यम से आपको व्यवसाय संबंधी काफी नॉलेज मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा। जल्दी ही पदोन्नति भी संभव है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमी की वजह से निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। एलर्जी तथा पेट से संबंधित दिक्कत रह सकती है। वर्तमान मौसम में खानपान का परहेज रखना बहुत जरूरी है। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज, भाग्यशाली अंक हैं 8। उपाय है, किसी गरीब को धन दान करके होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। घर में ड्रैगन की मूर्ति या चित्र रखना भी बहुत अच्छा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ड्रैगन का चित्र रखने से घर के सदस्य सुरक्षित रहते हैं। इसे लगाने से घर के सदस्यों को बुरी नजर नहीं लगती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।